झारखंड उच्च न्यायालय में अब कोरोना संक्रमण का आगाज दिखाई देने लगा है। अब तक उच्च न्यायालय के 4 सेवाकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस बार उच्च न्यायालय के कोर्ट मास्टर, पीए, अर्दली और एक अन्य की रिपोर्ट पॉजिटिव मिला है। इसके बाद से हाईकोर्ट प्रशासन अब पूरी तरह से सतर्कता और एहतियात बरता जा रहा है। उच्च न्यायालय के पूरे परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस का जो दुष्प्रभाव झारखंड उच्च न्यायालय के दहलीज तक पहुंचा है, उसको लेकर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने एक निर्णय लिया कि कोर्ट को अभी लिमिटेड वे में चलाया जा सकता है और इसके लिए दो या तीन बेंच का गठन किया जाएगा, जिसमें कि महत्वपूर्ण मामले और कुछ अन्य मामले जो लिए जा सकते हैं माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के बाद, वैसे मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। अब तक कोरोना वायरस के 5 पॉजिटिव पाए गए झारखंड उच्च न्यायालय के कर्मी, उसको लेकर यह निर्णय लिया गया है और एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले भी एक कर्मी पाए गए थे, उसके बाद 4 और अन्य कर्मी भी वहाँ पॉजिटिव पाए गए, इसको लेकर काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है और सावधानियां बरती जा रही हैं। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये सब करने के बाद सोमवार से बहुत ही सीमित स्तर पर न्यायिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसी के मद्देनजर एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी ने मुख्य न्यायाधीश से 15 दिनों के लिए हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य स्थगित करने का आग्रह किया था। आग्रह के बाद चीफ जस्टिस ने सिर्फ जरूरी न्यायिक कार्यों पर सुनवाई का आदेश दिया है। फिलहाल यानी 2 या 3 बेंच पर हियरिंग होगी। ओंकार रावे के लिए रांची से मनीष झा।